नमस्कार, मैं कंचन, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आरपीएफ नागपुर को द्वितीय स्थान, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अखिल भारतीय स्थल पर आयोजित शॉर्ट वीडियो क्लिप स्पर्धा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल आरपीएफ नागपुर दूसरा स्थान हासिल किया है। जंगली जानवरों की तस्करी की रोकथाम के लिए आरपीएफ पोस्ट छिंदवाड़ा ने नागपुर मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज के मार्गदर्शन में क्लिप तैयार करने में पोस्ट छिंदवाड़ा के प्रभारी रंजीत कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, कपिल बघेल व ज्योति का योगदान रहा। राशन दुकान में कब मिलेंगी चाय कॉफी? सस्ते अनाज मुहैया कराने वाले राशन केंद्रों पर अनाज के साथ साथ चाय कॉफी और साबुन बेचने की अनुमति दी गई थी। यह शासन निर्णय वर्ष 2022 में लिया गया था, लेकिन नागपुर जिले में अब तक राशन की दुकानों में चाय कॉफी की बिक्री कहीं नजर नहीं आती है। राशन की दुकानों में चाय कॉफी भी कब से मिलेगी, यह सवाल आम नागरिकों के मन में बना हुआ है। क्या क्या मिलता है राशन में? वर्तमान में राशन की दुकान में चावल, गेहूं और शक्कर मिलती है। जिले में राशन दुकानें 1292, राशन कार्ड धारक 7,76,326, अंत्योदय 1,21,783, प्रधान्य परिवार 6,54,543। अब एक साथ मिल सकेंगी दो डिग्रियां, एक न्यू यूनिवर्सिटी से अब एक साथ दो डिग्रियां ली जा सकेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारंपरिक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में से किसी भी माध्यम से एक साथ दो शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त करने की अनुमति इग्नू यूनिवर्सिटी को भी प्राप्त हुई है। मंगलवार को भी पत्र परिषद में क्षेत्रीय केंद्र के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पी शिव स्वरूप ने बताया कि यूनिवर्सिटी से एमए छात्र एक साथ एमए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, अनुवाद अध्ययन, हिंदी, व्यापारिक लेखन आदि कर सकते हैं। एमएससी में मास्टर ऑफ साइंस अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण में मास्टर ऑफ साइंस में उपलब्ध है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।